वक्त आ गया है तारीख को बदलने का, वक्त आ गया है नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने का, वक्त आ गया है सिम सिम का गुफा से बाहर निकलने का। माफ कीजिएगा मलिका, अगर आप गुफा से बाहर गई तो ये सूरज की रोशनी आपको बख्शेगी नहीं, आपको मिली बद्दुआ के असर से आप जलकर खाक हो जाएंगे। दादी, आप जादूगर मुस्तफा की अम्मी हैं, आपने उन्हें जादू करते हुए देखा है, कुछ तो कहा होगा, उन्हें कभी कुछ बताया होगा आपको। दादी, याद करने की कोशिश कीजिए, क्या पता उसी में छिपा हो 40 चोरों को खत्म करने का राज। 40 चोर वो तूफान है जिससे कुछ देर के लिए छुपना मुमकिन है, बचना मुमकिन नहीं। जिस दहशत में आप जी रही हैं दादी, क्या पूरी आवाम भी उसी दहशत में जिएगी? कासिम भाईजान के साथ जो हुआ, क्या वो ठीक था? याद है आपको कैसे बेरहमी से मारा था मेरे? आवाम के अमन के लिए, कासिम भाईजान की कुर्बानी के लिए, अब्बू के अधूरे ख्वाब के लिए दादी, याद करने की कोशिश कीजिए। अब्बू ने कुछ तो कहा होगा, कुछ तो बताया होगा आपको, कोई तो तरकीब होगी 40 चोरों को मारने की। एक बार पता चल जाए कैसे मारना है 40 चोरों को, बाखुदा पूरी कायनात देख कर दूंगा दादी। उस तरकीब को ढूंढने के लिए जहां जाना पड़ेगा वहां जाऊंगा, लेकिन 40 चोर को खत्म करके रहूंगा दादी। कोशिश तो कीजिए। मुस्तफा को जब मिले जवाब, परवास में आया बाज। बाज अभी भी है कहीं, उसे पता है हर राज। चांद को तोड़ दिया, अब सूरज की बारी। इस कैद से आजाद होने के लिए मुझे किसी खास की कुर्बानी देनी होगी, और उस कुर्बानी से मैं और ताकतवर बन जाऊंगी। जानते हो किसकी? काबुल की पुरानी शहजादी मरियम की। वो बाज ऊंचाइयों में है कहीं, वो जहां कहीं भी है उसे दिख रही है सारी जमीन। जानता है वो सारे जवाब जो तुझे अभी पता नहीं। मैं हमेशा दो ही चीज के पीछे पड़ी रही हूं, एक तलिस्मान हमारे आका इबलिस को वापस जिंदा करने के लिए, और दूसरा शहजादी मरिया, क्योंकि इस पूरे काबुल में सिर्फ वही है जिसका खून पाक साफ है, इतना पाक कि उसकी कुर्बानी देने से इस गुफा से बाहर ना निकल पाने की मुझ पर लगी बद्दुआ मिट जाएगी।
सुल्तान ने महफूज रखा था चिड़िया को कि कहीं उसका शिकार करके हम ही ना उड़ जाए। लेकिन ये सब करना आसान नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ उस मरियम को मारने से काम नहीं चलेगा। जो भी करना होगा काले जादू के कायदों के हिसाब से करना होगा। ये काले जादू की किताब है, जैसा इसमें लिखा है ठीक उसी तरह तुम्हें मरियम की कुर्बानी देनी है, और इसमें सद्दाम तुम सबकी मदद करेगा। और जब तक मरियम की कुर्बानी में तुम लोग कामयाब नहीं होते हो, तब तक मुझे इबादत में बैठना होगा, उन सभी काली ताकतों को मनाना होगा ताकि वो मुझे इस गुफा से बाहर निकलने की इजाजत दे। कामयाबी हासिल करने में वक्त लगेगा, और तब तक मैं ना तो किसी से मिलूंगी और ना ही किसी को देखूंगी। और याद रहे, मेरे पीछे मरियम को कैसे ढूंढना है और कैसे उसकी कुर्बानी देनी है, ये सब तुम सब की जिम्मेदारी है। आप फिक्र मत करिए मलिका, आपके लिए ऐसी हजारों शहजादियों की कुर्बानी दे सकते हैं हम। मरियम तो कुछ भी नहीं। शाबाश। हमारे मोहब्बत का यही इम्तिहान था मेरे नूरे निगाह। आपको जिंदा करने के लिए अब मुझे परवास जाना होगा। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ मेरे नूरे निगाह, कुछ भी, किसी को भी खत्म कर सकती हूँ मैं। तो फिर वो मामूली जादूगर और शहजादी मरियम क्या चीज है? रुका हुआ बाज आसमान में जब पंखों की चमक सुनहरी होगी, वहां मिलेगा तुझे रास्ता उस वक्त जहां बाज की परछाई पड़ेगी। बाज की परछाई से मिलेगा रास्ता? वो सालों से देख रहा है सब कुछ, क्या क्या हो रहा है तेरे साथ। रात तक रहा है कब से वो तेरी लिए तेरे सालों के जवाब। परवाज में ही बैठा है वो बाज। परवाज में है वो बाज जिसके पास है राज, जिसमें छिपे हैं 40 चोरों को मारने की तरकीब।
कहाँ मिलेगा वो बाज? अरे वहां चाचा, आप तो काफी वक्त से परवास में हो ना, आपने कोई ऐसा बाज देखा है क्या जो जो बहुत वक्त से परवास में है और जिसके सुनहरे पंख हैं? समझ नहीं आता है ये चूर क्यों आ जाते हैं अचानक बार बार। रेवर, मुझे नहीं पता। रेवर, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। कम्बक जी तो करता है कि अपने हाथों से गला घूर दे तुम्हारा। इस बार हमारे साथ ही चलेगा, फिर चाहे कैसी भी नाजुक हालत में है वो शहजादे मरियम, आज तो हम उसे लेकर ही जाएंगे। आखिर आज वो दिन आ ही गया जिसके लिए आज तक शहजादी मरियम को संभाल कर रखा था। मलिका का हुक्म साफ है, सरदाम चाहे जितनी भी चापलूसी करने की कोशिश करे, हमें उसकी झांसे में नहीं आना। तोहफा तो आज हम लेकर ही जाएंगे, फिर चाहे उसके लिए काबुल के सुल्तान को ही क्यों ना मानना पड़े। इन 40 चोरों को जिस दिन पता चल गया कि शहजादी मेरे पास है ही नहीं तो तड़पा तड़पा कर मारेंगे मुझे। इनके हाथों से मरने से तो अच्छा है मैं खुद ही मर जाऊं। इतने सारे बाजों में कैसे ढूंढूं वो एक बाज? ना तो तुम्हारे पंखों में आग सी चमक है मेरे दोस्त, ना ही तुम्हारी परछाई का कोई मतलब है। आखिर क्या मायने है इस पहेली के? कहां ढूंढू इस बास को? दादी क्या अजीब पहेली थी, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। जब अब्बू को 40 चोरों का रास पता चला तब बास परवास में है, मतलब 22 साल पहले। बास कहीं ऊंचाई पे है जहां से पूरा परवास दिखता है। उसके पंखों में आग नहीं, उसके पंख आग जैसे चमकते हैं और जब परछाई पड़ती है तब मिलेगा रास्ता। क्या मतलब है इस बात का? कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कहां ढूंढूं इस बास को? बास है ऊंचाई पर कहीं जिसे देखिए पूरी जमीन। ये बाज इस मीनार की ऊंचाई पर है, रुका हुआ बाज आसमान पे। जब पंखों में आग से चमक होगी धूप की रोशनी से इसके पंखों में आग से चमक है। ये क्या देख रहा है अली? इस बास की परवाज में कोई कदर नहीं, इसे तो कोई देखता तक नहीं। पूरे परवाज में ही नहीं, पूरे काबुल शाही में इससे बेहतरीन नक्काशी का काम कहीं और नहीं होगा। तुझे मालूम है ये किसने बनाया? तुझे तो याद भी नहीं होगा, बहुत छोटा सा था तू। किसने बनाया? मेरे दोस्त और तुम्हारे अब्बा जादूगर मुस्तफा ने बनाया है इसे। और जब वो इसे बना रहे थे तो लोग कह रहे थे बेकार में अपना वक्त जाया कर रहे हो, लेकिन जादूगर मुस्तफा ने जानते हो क्या कहा था? एक वक्त आएगा कि जब ये बाज पूरे परवास को बचाएगा। जब जादूगर मुस्तफा को मिलने जाओ आप,
परवाज में आया बाज, बाज अभी भी है यहीं, जिसको पता हर राज, ये बाज अब्बू ने बनाया था। शुक्रिया अब्बू, बाज मिल गया। ड्राइवर, ड्राइवर हमें छोड़ के चले गए, ड्राइवर। सत्ताम कैसे मर सकता है? किसने मारा इसे? मत पता है। सुल्तान को तो किसी ने इतनी बेरहमी से मारा है कि चेहरा भी पहचानने में नहीं आ रहा। ये सद्दाम हो ही नहीं सकता। हमने हर जगह ढूंढा, शहजादी कहीं नहीं दिखी, पता ही नहीं। जिस रात चांद टूटा उसी रात से शहजादी मरियम गायब है। शहजादी का सबसे खास कमरा आज तक खाली है। हमें भी नहीं मालूम शहजादी कहाँ है, वो है भी या नहीं। हमारी अमानत मरियम तुम्हारी हिफाजत में महफूज रहे। शहजादी को हमने फूलों के महल में महफूज रखा। सत्ताम, अब तक वो गुस्ताख हमें धोखा देता रहा। मलिका सिमसिम से झूठ बोलकर भाग गया धोखे पास। उस बेवकूफ को लग रहा है कि अपनी मौत का तमाशा बनाकर हमें गुमराह कर सकता है। शहजादी मरियम भी यहाँ नहीं है। उसकी कुर्बानी के बिना मलिका सिमसिम गुफा के पार नहीं आ सकती। सिर्फ सद्दाम जानता है कि शहजादी मरियम दिखती कैसी है। हो ना हो उसने अपनी हिफाजत के लिए उसे कहीं छिपा कर रखा होगा। अगर हमें शहजादी को ढूंढना है तो उसके लिए हमें उस सद्दाम को ढूंढना होगा। आसमान में रुका हुआ बाज, पंखों में आग से चमकती परछाई, वहां मिलेगा तुझे तेरा रास्ता, जहां पड़ेगी इसकी परछाई। बाज के पंखों में आग कैसे लगेगी? आग से चमक के वक्त पड़ने वाली परछाई, क्या मतलब है इस बात का? सोच अली सोच, ये पहले नहीं बुझा पाया तो 40 से रुख खत्म कैसे करेगा? सोच, दिमाग लड़ा। बास के पंखों पे आग से चमक के वक्त की परछाई, ये तो सदरे परवाज का दफ्तर है, अब्दाली का दफ्तर। अब्दाली के दफ्तर में क्या राज छुपा सकता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। सोच सोच अली, तू कुछ भूल रहा है अली। दिमाग लड़ा, क्या भूल रहा है तू? जादू की राह पे जाने से पहले अब्बू सदरे परवाज थे। वो दफ्तर अब्बू का ही तो था, मुझे समझ में आ रहा है। इतने सालों से अब्बू उस दिन की तैयारी कर रहे थे। 40 चोरों को मारने का राज उन्होंने आवामी दफ्तर में छुपा के रखा है। शुक्रिया अब्बू, बाकी बातें वहीं जाके पता लगेंगी। इससे पहले कि परवाज को गायब रखने का मेरा ये जादू टूट जाए,
और 40 चोर वापस आकर बेगुनाहों की जान लें। मुझे जल्द से जल्द जिया अब्दाली के दफ्तर में जाकर चोरों को मारने का राज जानना होगा।